हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी सिंगल फेज मोटर को विदाउट स्टार्टर कैसे घुमा सकते हैं। आइए डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक मोटर है, ये वाली केबल है और यहाँ पर एक फेज दिया हुआ है और एक न्यूटन है। एक 50 μF का कैपेसिटर है और एक 200 μF का कैपेसिटर है। ये रनिंग कैपेसिटर है और ये वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर है। देखिए, मोटर के अंदर के जॉइंट हम लगा देते हैं तब सामने सामने ये चार तार बाहर निकलते हैं। ये जो दो तार हैं वो स्टार्टिंग तार हैं और ये जो तार है वो बचे वो रनिंग तार हैं। जो रनिंग तार होते हैं वो मोटा मोटा होते हैं और जो स्टार्टिंग तार होते हैं थोड़ा पतला सा होते हैं, चाहे मोटर का कोई भी पिच हो। ठीक है, तो अभी देखिए इसके अंदर समझ लेते हैं कि इसके अंदर कनेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट उठाना है और स्टार्ट उठाने के बाद जिस दिशा में हमें मोटर को घुमाना है उसी दिशा में रनिंग उठाना है। ज़्यादातर V4 की मोटर होती है वो इस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो इस दिशा में रनिंग का ये तार हमें लेना है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक तार बन जाएगा और ये एक तार बन जाएगा और ये भी एक तार बन जाएगा। ये हमारे पास तीनों तार हो गए। अब यहाँ पर कलर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्टार्टिंग और रनिंग ये जो दो तार है हमने मिला है उसे कॉमन वायर बोलते हैं। वो सीधा जुड़ेगा केबल के ब्लू तार में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग है जो पतला वाला तार है वो जुड़ेगा पीले वाले तार में। इसके बाद जो हमारा रनिंग तार है वो जुड़ेगा केबल के लाल वाले तार के साथ। अब हमारे पास केबल के तीन तार हैं, रेड, येलो और ब्लू। यदि ये सबमर्सिबल मोटर को पैनल बॉक्स नहीं लगाना है और इसको डायरेक्ट घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये ब्लू वाली तार है, इसको फेस के अंदर डाल देना है। उसके बाद जो हमारा रेड वाला तार है वो सीधा डायरेक्टली न्यूट्रल के अंदर जाएगा। अब बात आती है पीले वाले तार की। ये जो पीला वाला तार है इसको लेना है, रनिंग कैपेसिटर के साथ एक सिरे में जोड़ देना है और ये जो दूसरा वाला सिरा है उसको जोड़ना है न्यूट्रल के साथ। अब यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर का काम ख़त्म हो गया। अब बात आती है स्टार्टिंग कैपेसिटर की। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक सिरा है वो जाएगा फिर से पीले वाले तार में। अब ये दूसरा सिरा है वो जाएगा न्यूट्रल के अंदर, लेकिन बीच में एक स्टार्ट पुश बटन जोड़ना होगा। ये जस्ट पुश करने के लिए आएगा। जब हम मोटर को फेज और न्यूट्रल देंगे तब यहाँ पर बटन को पुश करते ही मोटर चालू हो जाएगी। ठीक है, ये रनिंग कैपेसिटर है वो मोटर के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करने के लिए बनेगा। ताकि हम स्विच दबा के रखेंगे तभी तक ये रहेगा, जब हम स्विच को छोड़ देंगे तब इसका कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा। इसको हमेशा के लिए नहीं लगा सकते, जस्ट 2 सेकंड के लिए रख के छोड़ देना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम मोटर को बिना स्टार्टर से चला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे और वीडियो हम ला सकें।